बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर 32 है, पार्ट ए है, और इसमें हम जितना भी हमने अपना प्रीवियस कोर्स कवर किया है उसको हम टू हाफ्स में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ जो है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम जो है वो समराइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा मतलब हेल्प हो जाए, और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को जो है इसमें देखा जा सके। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन का। इसमें हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी, ठीक है, उसके ओरिजिन्स जो थे उनको डिस्कस किया, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की उनको डिस्कस किया, फिर जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से और साइकोलॉजी की थोड़ी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं इसको थोड़ा ऐसे समराइज करूँगी कि सबसे पहले इसमें देखना है कि वर्ड साइकोलॉजी जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ, उसके मीनिंग क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ये जैसे कि जो है ग्रीक रूट्स से जो है ड्राइव हुआ, साइकी एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी ऑफ माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ। एंड देन इसमें हमने फोर इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, एज अ स्टडी ऑफ माइंड, एज अ स्टडी ऑफ सोल, एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कुछ टर्म्स थी, ठीक है, जैसे फर्स्ट लेबॉरेटरी जो है वो किसने डिवेलप की, देन टेब्यूला राजा का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो है राइट अप किसने दिया, फिर जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड है, ए बी सी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है, प्रेजेंट मोमेंटरी अवेयरनेस, एंड देन उसको फोकल एंड मार्जिनल कॉन्शियसनेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट जो था पॉइंट वो बिहेवियर के हवाले से था कि बिहेवियर जो टर्म थी वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, एंड देन जो था इस पे जे बी वॉटसन ने वर्किंग की, SOR फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया, एंड देन इसके बाद एक प्रॉपर जो डेफिनेशन आ गई और उसको वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के साथ जो है हाईलाइट कर दिया गया। उसके बाद इसमें फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी आ गई कि क्लिनिकल एंड काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस था, ठीक है, देन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी थी, हेल्थ साइकोलॉजी थी, जेंडर साइकोलॉजी, डिवेलपमेंटल, बायोलॉजिकल एंड न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी, एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड मैनी मोर। तो इनको मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल, इस पे लाइक कौन कौन सी किस फील्ड में जो है मतलब किस एरिया में, किस इंस्टीट्यूशन में, किस तरह की सिनेरियो में जो है वर्किंग की जाती है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी जो हैं वो भी जो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर मैंने भी डिस्कस किया, इसमें कवर हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था कि किस तरह से जो है स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी का आगाज हुआ, ठीक है, एबनॉर्मल के कॉम्बिनेशन के साथ, कि किस तरह से अजाइलम्स थे, शैमन्स जो थे, और डिफरेंट जो है एक्सोरिसिज्म एंड चार्ल्स डार्विन है उसके नज़रिए के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से हिप्पोक्रेट ने कौन से इसमें बाइल्स दिए, कौन से हॉर्मोन्स को डिस्कस किया, फादर ऑफ मेडिसिन जो है उन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो चैप्टर है फर्स्ट, ये सारा कवर करता है। सेकंड जो इसमें चैप्टर आ जाता है दैट इज़ बायोलॉजिकल बिहेवियर या बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ बिहेवियर। इसमें सबसे पहले जो है वो जीन्स के बारे में डिस्कस किया गया कि किस तरह से एक जनरेशन जो है दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जी ट्रांसफ़र होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स एंड मतलब सारा, ठीक है।
नर्वस सिस्टम की बात आ गई कि हमारा जितना भी निज़ामे असबी है, फिर उसको फर्दर टू पार्ट्स में जो है सीएनएस को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम को सॉरी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल में भी आगे जो था ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक आ जाते हैं, फिर देन सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, एंड दूसरी तरफ ब्रेन जो है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर हमने इसमें जो था सोमेटिक और ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमने सारा अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, कैसे वर्किंग करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने इसमें डिफरेंट जो है वो इसमें सिंपैथेटिक और ऑटो पैरासिंपैथेटिक के हवाले से डिस्कस किया कि कैसी कैसी सिचुएशन में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, कैसे जो है हॉर्मोन्स जो हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जो ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, उसको हमने डिस्कस किया, ब्रेन के मेजर कितने पार्ट्स हैं, देन सब पार्ट्स कितने हैं, उनकी वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। देन न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, कौन कौन से हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ना किस तरह से उनकी जो है वो वर्किंग होती है, इनहिबिटरी और एक्जिटेटरी जो है दोनों इसमें जो है आ जाते हैं, ठीक है। गाबा फॉर एग्जांपल गाबा डिस्कस किया हमने, सेरोटोनिन जो है वो डिस्कस किया, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, जिसको एड्रीनालाइन और नॉर एड्रीनालाइन के नाम से भी जाना जाता है। देन ब्रेन इंजरी जो है उसको हमने देखा कि किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मयरिंग द ब्रेन के डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, एमआरआई है, एफएमआरआई है, उसके बाद जो है इस तरीके से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरह से ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिटेक्ट करती हैं, उनकी कुछ जो है वो फंक्शन पे फोकस करती हैं, कुछ स्ट्रक्चर पे और कुछ दोनों पे, मतलब इस तरह की हमने टेक्निक्स इसमें डिस्कस की। फिर लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट था वो था एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हार्मोन्स और ग्लैंड्स का सिस्टम है, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स जो हैं डिफरेंट जो ग्लैंड हैं वो कैसे हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रीट करते हैं, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, देन जो उनके टारगेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे पहुँच के जो है वो अपना वर्किंग करते हैं, ग्रोथ में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, देन जो है हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम, इन तमाम में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो था हमने एड्रीनालाइन, ठीक है, नॉर एड्रीनालाइन, पैंक्रियाज, ठीक है, सेक्सुअल ग्लैंड, ठीक है, ये इस तरीके से जो थे डिफरेंट हमारे पास थे, पैराथायराइड था, थाइमस ग्लैंड जो था उसका क्या सिस्टम है, ठीक है, ये सारा जो है पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे सबसे ज़्यादा हमने उनको डिस्कस किया था, उनकी फंक्शनिंग के बारे में कि किस किस बॉडी के एरिया में जो है उनकी वर्किंग होती है, और मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिया एक मटर के दाने के बराबर जो है इसका साइज होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल जो बिहेवियर है या बायोलॉजिकल जो रूट्स जो है बिहेवियर की उसमें जो है डिस्कस होता है, क्योंकि असाब का वो निज़ाम जो किरदार का बायस बनता है, ठीक है, उसको निज़ाम उसबी कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टू जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी हो गई। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास, दैट इज अबाउट सेंसेशन एंड परसेप्शन। अच्छा, सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन हमारी हवास जो हमें फाइव सेंसेस जो हैं अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं, ठीक है, उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, देन जब हम उसको मीनिंग देते हैं तो वो परसेप्शन बन जाती है, ठीक है, जानना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसका वकूफ हासिल करना, ठीक है, दैट इज परसेप्शन। सेंसेशन विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं डिफरेंट जो मतलब उनके लिए स्टिमुलस मौजूद है उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जब हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, उनको मीनिंग दे देते हैं तो वो परसेप्शन बन जाती है, तो हम कह सकते हैं सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन, ठीक है। फिर इसमें जो है हमने
डिफरेंट जो सेंसेस हैं, जो फाइव, ठीक है, उनका उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उनके फंक्शन को डिस्कस किया, ठीक है. फिर मुख्तलिफ सेंसेस जो हैं उनकी मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं, ठीक है, वो हमने जो थी डिस्कस की थी. थ्रेशोल्ड क्या होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होती है, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ठीक है. और फिर जो है न्यूडल का केमिकल में चेंज हो जाना जो है ट्रांसडक्शन कहलाता है, सेंसेशन क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, मतलब ये टर्म्स पहले हमने डिस्कस किए एंड डन सो ऑन. तो फिर हमने विजन जो है, विजन, हेयरिंग, ठीक है, देन ऑल्फैक्ट्री सेंस है एंड गेस्टाइल, टेक्टाइल, इन तमाम को डिस्कस किया. विजन के लिए आइज हैं, हेयरिंग के लिए ईयर है, ठीक है. फिर स्मेल एंड टेस्ट के लिए टंग एंड नोज है, इनको केमिकल सेंसेस भी कहा जाता है. फिर इसी तरीके से जो है इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, जैसे विजन है तो इसमें लेंस के बारे में कौन कौन से जो है लेंस जो है कनकेव और कन्वेक्स जो उसमें होता है, अकॉर्डिंग टू हम दूर देख रहे हैं या करीब देख रहे हैं, क्लोज या फार अवे, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है. फिर इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, और हमारी आँख जो है वो रिसीव करने के बाद कैसे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जो है सेंड करती है, एंड ब्रेन वापस जो है मतलब कैसे उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स करता है. इसी तरीके से हेयरिंग यानी ईयर, इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो पिन्ना से एंटर होती है, एंड थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, उसमें फर्दर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, कैसे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं. देन केमिकल सेंसेस में स्मेल एंड टेस्ट, इसमें भी नोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वर्किंग करती है, और मुख्तलिफ जो हैं स्मेल्स, गुड एंड बैड, उनके लिए ही सेंसिटिव होती है. टेस्ट में भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और कौन कौन सा एरिया टंग का कवर करते हैं, और बाकी टेस्ट जो है उनके कॉम्बिनेशन से जो है सारे मतलब इसमें ड्राइव होते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हमने डिस्कस की, एंड सेंथीसिया हमने डिस्कस किया. देन परसेप्शन के हवाले से इसमें थोड़ी सी चीज़ें, इसमें हमने कुछ लॉज जो थे वो डिस्कस किए. फिर मूवमेंट, टाइम, मूवमेंट के हवाले से, टाइम के हवाले से हमने डिस्कस किया, ठीक है. परसेप्शन, परसेप्शन को उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो लॉज थे उनको हमने गो थ्रू किया, ठीक है, जैसे फिगर एंड ग्राउंड था. फिर उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, साइज कंसिस्टेंसी, इस तरह की तमाम चीज़ें, ठीक है, एल्यूजन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने सेंसेशन और परसेप्शन के चैप्टर में इनको कवर किया. देन फोर्थ जो है चैप्टर वो आ जाता है मेमोरी का. जो मेमोरी, ठीक है, उसकी उसके बारे में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, ठीक है, कि जब हम रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियसली चीज़ें पढ़ी हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको जो है वो प्रेजेंट जो है हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस उसका हिस्सा बना लेते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है, गुड मेमोरी का हिस्सा जो है वो कहलाता है. फिर मेमोरी प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, कि इनकोडिंग, ठीक है, इनकोड होता है पहले, फिर उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, इनकोडिंग होती है, ठीक है, देन उसमें लाइक ये जो हमारा होता है मेमोरी से रिलेटेड, ये थ्री पे प्रोसेस जो है थ्री पार्ट्स पे था ना कंसिस्ट करता है. पहले इनकोड करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, एंड देन रिट्रीव करते हैं. फिर इसी तरीके से जो था इसमें जो है मेमोरी का ये इसमें टाइप्स आ जाती हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको हमने, ठीक है, डिस्कस किया कि ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है. वर्किंग मेमोरी के हवाले से डिस्कस किया, इंटरमीडिएट मेमोरी के हवाले से चंकिंग और इसमें प्लस माइनस 7 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जब हम आए तो हमने इसकी फर्दर टाइप्स डिस्कस की, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. फिर उसमें कुछ स्किल्स के साथ हैं, कुछ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के साथ जो है रिलेटेड है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया. देन जो था द रिमेम्बरिंग ब्रेन, ठीक है, एंड फॉरगेटिंग एंड मेमोरी लॉस,
इसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें सीन्स ऑफ द मेमोरी थे कि कैसे चीज़ें जो हैं भूल जाती हैं, कौन टू पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया था, एंड सेवन हमारे पास सीन्स ऑफ मेमोरी थे, ठीक है, जिसमें मिस एट्रीब्यूशन भी थी, लैक ऑफ अटेंशन भी थी, ठीक है, बायसनेस, अदर्स इफेक्ट, इस तरीके से जो था उसको हमने इसमें जो था डिस्कस किया। देन थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रक्चर के हवाले से कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किस तरह से फंक्शनिंग होती है, और लूप्स वगैरह के हवाले से कि कौन सा लूप जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। फिर फॉरगेटिंग एंड मेमोरी लॉस जो है उसमें हमने इंट्रोग्रेड एमनीजिया एंड रेट्रोग्रेड एमनीजिया का, ठीक है, देखा, फिर उस डिमेंशिया का देखा, ठीक है, ये मेमोरी लॉस ड्यू टू इंजरी एंड सम टाइम जो है डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है अर्ली एजेस में, कैसे साइन कब साइंस जो हैं वो इसके अपियर होते हैं, एंड जो है अर्ली एज जो है, ठीक है, उसमें और लेटर एज के वाले दोनों वाले से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो हमारा मेमोरी का चैप्टर जो था इन तमाम पॉइंट्स को कवर करता था। तो यहाँ तक जो फर्स्ट हाफ कोर्स है उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों पे फोकस आ जाता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो इसका पार्ट टू है उसमें हम जो सेकंड हाफ कोर्स है उसके हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से एंड जो हमने स्टडी किया है उस हवाले से कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको जो है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको जो है कि इसका सारा वो एक जैसे फ्लैशबैक होती है कि हमने जो जो डिस्कस किया है वो चीज़ें जो हैं वो मतलब माइंड में आ गई होंगी, और ये आपको पेपर के हवाले से एंड वैसे जो है इस चीज़ को रिकॉल करने में हेल्प आउट करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, और इंशाल्लाह जो है हम उसमें बाकी जो अपना रह गया है उसको एक प्रॉपर वे में इसी तरीके से जो है वो डिस्कस कर लेंगे।